हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है विशाल चौकीकर। मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो का पार्ट है मेरा ऑटो कैड का इंट्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या क्या कौन सी चीज़ें सीखेंगे, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे और ये सॉफ्टवेयर कौन से कंपनी में यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोडेस्क इनकॉर्पोरेशन कंपनी का है। और ये जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ये मेजरली ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ड्राफ्टिंग मतलब क्या चीज़ है? बेसिकली अगर कुछ आपका इंजीनियरिंग डायग्राम रहता है, वो हर समय पेपर स्पेस में हम लोग काम करते थे, राइट? मेजरली उसमें एरर्स और रिपीटेशन ज़्यादा होते थे, तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा रहता था। उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर है बनाया गया था। अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं जो आपको सिखाऊंगा, एक उसका छोटा सा एक स्क्रिप्ट बना के रखा हूँ। मेजर मेरे कंटेंट्स रहेंगे ऑटोकैड के अंदर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कैसे वर्क करते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग की सेटिंग्स कैसी रहती है, ड्राइंग सेटिंग्स कैसी रहती है, देन ड्राइंग टूल्स, मॉडिफाइड टूल्स, डिस्प्ले कंट्रोल एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये आपका जो ये मेरा एक फाइल मैंने यहाँ पे बना के रखा है, राइट? इस फाइल के अंदर मैंने जो कुछ भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे बना के रखी है। गाइस, ये जो चीज़ें कैसे बनाई है, बेसिकली इस पर्पज से जो मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा एक शॉर्ट में। जैसे कि अगर मुझे अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट डिलीट किया है मुझे वापस बनाने हैं, ये ऑब्जेक्ट्स में जैसे कि मैं सर्कल एक यूज़ कर रहा हूँ, सर्कल को सेम मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन इस सर्कल को मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलरली जॉइंट करना है। मैं इसको जॉइंट करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मुझे एक ट्रिम करना है, कट करना है, यहाँ से मैं इसको ईजिली यहाँ से कट कर रहा हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी जैसे छोटा सा पार्ट बनाया है आपको कि मैंने ऑब्जेक्ट कितने फास्ट बनाया है और कौन से कमांड यूज़ किए। सी, अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये सिर्फ कम्प्लीटली कमांड बेसिस पे बनाया है। इसके जो पार्ट्स है ये इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग टूल्स, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड टूल्स, एंड ये रहेंगे आपके एनोटेशंस के पार्ट, ये है लेयर्स वगैरह, राइट? सबसे पहले है पार्ट की ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस। उसका नाम है GUI, बोलते हैं हम लोग उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अंदर जो कुछ भी आपका वर्जन यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन से वर्जन में आप काम कर रहे हो, फाइल का नाम क्या है, और यहाँ पे आपके फाइल के सेटिंग्स रहते हैं कि आपको फाइल सेव है कैसे करने, यहाँ से भी आप जा सकते हो। देन नेक्स्ट है इस सेटिंग्स में ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट, इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, यानी कि यहाँ से आप उसके सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। किसके सिर्फ ये बोलते हैं उसको क्विक एक्सेस टूल बार के। अगर यहाँ पे जो दिख रहा है ड्राफ्टिंग एनोटेशन जो दिख रहा है उसको हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं। अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा यहाँ से, और ये कम्प्लीटली निकल गया। देन ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है जैसे कि हम लोग दिख रहे हैं, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं पैनल्स। इस पैनल को आप कहाँ से भी आपके पोजिशन पे जहाँ पे आपको रखना है सॉफ्टवेयर के रिबन पे आप उसको मूव करके रख सकते हो। ये सेट ऑफ पैनल्स को हम लोग बोलते हैं रिबन। और ये हो गया आपका मेन्यू बार, ये हो गया आपका कमांड प्रॉम्प्ट, और ये हो गया आपका टास्क बार, और यहाँ पे हो गया उसके ड्राफ्टिंग के सेटिंग्स। ये जो मैंने अभी आपको टूल्स बताए ये आपको यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका लेयर मैनेजमेंट है और एनोटेशन पार्ट है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरा एक प्लॉट प्लान है इसके अंदर बहुत सारी चेयर्स वगैरह रखी है, राइट? इस चेयर को मुझे अगर निकालना है या फिर ऑफ करना है तो हम लोग एक लेयर बेसिस पे हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अगर आपको ऑटोकैड आता है बट आपको लेयर्स के ऑप्शंस ही नहीं आते हैं तो आपको ऑटोकैड सीखने का कुछ मतलब ही नहीं है। ये इसका एक मेजर पार्ट है ऑटोकैड का। ये भी मैं आपको टॉपिक्स के अंदर कवर करते जाऊँगा। इस चेयर्स को मुझे अगर कम्प्लीटली वैनिश करना है पर्टिकुलर टाइम बींग के लिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये कौन से बेसिस पे बन हो गया, ये इन द बेसिस ऑफ लेयर्स। इसके हर एक लेयर्स बनाए हुए हैं। अगर मुझे वापस चाहिए तो आप उसको वापस लेके आ सकते हो। ये इसकी पूरी सेटिंग्स है जो भी आपको मैं इसको
इस टॉपिक्स के अंदर कवर करते जाऊंगा। बाद में है एनोटेशन पार्ट। एनोटेशन का मतलब है कि एक पार्ट को, जो कुछ भी हमने पार्ट बनाया है, उसको नाम देना है या फिर कुछ उसको इंडिकेट करना है। सो वो इंडिकेट हम लोग एनोटेशन के बेसिस पे करते हैं। सो उस एनोटेशन से हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, मेरे डायमेंशंस आएंगे, मेरे लीडर्स आएंगे और मेरे टेक्स्ट के पार्ट्स आएंगे। सो ऑटोकैड के अंदर कैसे एनोटेशंस देते हैं ये भी आपको यहाँ पे मैं कवर कर दे जाऊँगा, राइट। सो उसके बाद जो कुछ भी मैं ऑब्जेक्ट दिख रहा है, राइट, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ये डॉटेड लाइन्स है, सेंटर लाइन है, राइट, इसका कलर्स है, ये भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज के अंदर कवर कर दिया जाएगा। ओके गाइस, देन उसके ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन मेथड से, अगर आपका ड्राइंग बहुत ही हेवी है, बहुत ही बड़ा है और आपको एक ही ड्राइंग्स के अंदर के सभी चीज़ें एट ए टाइम सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, और देन फाइनल आपका ऑप्शन है, ये पैरामेट्रिक्स मॉडलिंग है। बाद में रहेंगे आपके कॉपी पेस्ट के सभी शॉर्टकट चीज़ें, मैं आपको बताऊंगा। बाद में रहेंगे ब्लॉक्स एंड एट्रीब्यूट्स, ये भी आपको कवर कर दिए जाएंगे। देन फाइनल रहेगा कि उसका लेआउट, कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये लेआउट्स हम लोग कैसे कवर करते हैं, राइट। सो ये है मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप बिंदास मुझे कमेंट कीजिए। ओके, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।